राजधानी दिल्ली में बारिश अब तक हल्की ही रहेगी। इसकी वजह से तापमान में इजाफे के साथ उमस वाली गर्मी का दौर भी तेज होगा। हालांकि मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा, बूंदाबांदी के एक दो स्पेल आ सकते हैं। शुक्रवार को सुबह की शुरुआत कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ हुई। इसकी वजह से सुबह सुहावनी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा धूप निकली और लोग उमस वाली गर्मी से परेशान हुए। 4 बजे के बाद एक बार फिर घने काले बादल छा गए, लेकिन बारिश हुई नहीं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रहा, यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 73% से 91% रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जून के आखिरी हफ्ते तक मानसून ने दस्तक दे दी थी, अगर हम बात आप जुलाई के महीने की करें तो जुलाई के महीने में आगमी 3 से 4 दिनों के अंदर हमें बारिश का स्तर देखने को मीडियम मिला था, यानी कि एवरेज देखने को मिला था। वही अगर हम बात तमाम इलाकों की करें दिल्ली में, तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब आखिरी हफ्ता जून का चल रहा था और शुरुआती दौर आया था मानसून का, पहले मानसून की बारिश ने दस्तक दी थी, तो उस समय दिल्ली के तमाम इलाकों में जलभराव की समस्या हमें देखने को मिली थी। वही हम बात आज की यानी कि 6 जुलाई की करें तो 6 जुलाई का तापमान न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बताया जा रहा है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री बताया जा रहा है। वही हम बात इस समय मौसम की करें तो इस समय आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात का अभी तक आज की डेट में कोई नामो निशान अभी देखने को हमें नहीं मिला है। लेकिन भाई IMD की द्वारा दी गई सूचना में ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 10 जुलाई के आसपास तक हमें हल्की बारिश दिल्ली में देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात तमाम इलाकों की यानी कि बाकी राज्यों की करें तो उत्तराखंड जैसे राज्यों में रोड ब्लॉक कर दिए गए, जिन रोडों पे जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है उन इलाकों के रोडों को ब्लॉक कर दिया गया पहाड़ी इलाके के, ताकि वहां पे कोई भी दुर्घटना होने से बच जाए। वहीं अगर हम बात अगर पिछले कुछ दिनों की करें तो हमें बारिश का स्तर भी मध्यम देखने को मिला था, ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात कल की यानी कि 5 जुलाई की करें तो 5 जुलाई को भी शाम के समय हमें बरसात देखने को जरूर मिलती दिल्ली में, लेकिन सुबह से हमें कोई ऐसी बूंदाबांदी या कहीं पर बरसात होती हुई नजर दिल्ली में ज्यादा इलाकों पर नहीं आई थी। अगर हम बात आज की करें तो आज भी ऐसा बताया जा रहा है कि शाम और रात का समय इस समय दिल्ली का ऐसा माना जा रहा है कि जहां पर ज्यादा संभावनाएं बन जाती है बारिश होने की, सुबह के समय वो संभावनाएं कम हो जाती है। सुबह से दोपहर का जो समय होता है उस समय पर ज्यादा बरसात दिल्ली में हमें देखने को नहीं मिलती है। इस साल 7 महीने में अब तक जितनी बारिश हुई है उसका 74% हिस्सा महज एक ही दिन में बरसा है। जुलाई अगस्त में 100 मिलीमीटर वाले दिनों की संख्या भी बढ़ रही है। एक्सपर्ट के अनुसार एक ही दिन में 100 मिलीमीटर बारिश होने का सीधा अर्थ यह है कि मानसून पटरी पर नहीं है, लेकिन यह मासिक बारिश को सामान्य कैटेगरी में ही रखता है। ऐसे में अब समय है कि सामान्य बारिश के पैमाने में कई चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं राजधानी में 2024 में अब तक 4 महीने जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई में बारिश सामान्य से कम हुई। इसमें भी जनवरी में महज बूंदाबांदी हुई, जनवरी में बारिश 100% और मई में 99% कम रही। जनवरी में 5 जुलाई तक राजधानी में कुल 307.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसमें से 228.1 मिलीमीटर बारिश 28 जून को ही हो गई, यानी कुल बारिश का 74.13% हिस्सा एक ही दिन में बरसा है। सामान्य तौर पर पहले 7 महीने में राजधानी में कुल 375.48 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार 7 महीनों में सामान्य से लगभग 19% कम बारिश हुई है। हालांकि इसमें जुलाई के सिर्फ 5 दिन ही शामिल है। जुलाई के पूरे महीने में कितनी बारिश होती है यह आने वाला समय बताएगा। वहीं यदि 28 जून से पहले तक की स्थिति देखें तो महज 69.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यह 6 महीने की सामान्य बारिश की तुलना में 42% कम है, यानी एक ही दिन में बारिश ने अपना कोटा काफी सुधार लिया।